नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार रिसॉर्ट्स। बिहार में इन दिनों जम के बारिश हो रही है। कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट भी आज जारी किया गया है। लेकिन इसी बीच एक खबर आई है जो लोगों के लिए मुसीबत बनते जा रही है। ये है नदियों का जलस्तर का लगातार बढ़ना। कई जिलों में तो बाढ़ की स्थिति भी बनाई है। लेकिन आज हम बात करते हैं राजधानी पटना की, क्योंकि लगातार हो रहे बारिश के कारण अब पटना में भी गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। चाहे हम बात दीघा घाट की कर ले या फिर गांधी घाट की, लगातार बारिश के कारण यहां भी गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आपको बता दें कि पिछले 48 घंटे में 15 सेंटीमीटर दीघा घाट पर जो है जलस्तर बढ़ा है। वहीं गांधी घाट की अगर हम बात करें तो गांधी घाट पर पिछले 48 घंटे में 4 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। सोमवार को दीघा घाट पर 46.60 मीटर और गांधी घाट पर 46.20 मीटर पानी जो है मापा गया था। बुधवार को दीघा घाट पर 46.75 मीटर और वही गांधी घाट की अगर बात कर ले तो 46.24 मीटर हो गया है। ये बढ़ा हुआ जलस्तर है। आपको बता दें कि जल संसाधन विभाग के इंजीनियरों के मुताबिक पश्चिम के राज्यों में हो रही बारिश के कारण गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन रफ्तार धीमी होने के कारण अभी खतरे के निशान पर दीघा घाट जो है पार नहीं कर पाई है। और वो अभी जो दीघा घाट पे जो अगर पानी का जो जलस्तर है खतरे के निशान से 3.70 मीटर नीचे है। वहीं अगर गांधी घाट की भी बात कर ले तो बारिश धीमी की वजह से गांधी घाट पर भी जो पानी का जलस्तर है वो बढ़ा है, लेकिन खतरे के निशान को भी वो अभी पार नहीं कर पाया है। खतरे के निशान से गांधी घाट पर जो जलस्तर है वो 2.36 मीटर नीचे है, यानी कि ज़्यादा जो नीचे नहीं है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में अगर बारिश की जो रफ्तार है ऐसी ही रहती है तो गांधी घाट और दीघा घाट पर जो पानी का जलस्तर है वो बढ़ सकता है, खतरे के निशान को पार भी कर सकता है। लेकिन अभी की बात करें तो लगातार हो रहे पश्चिम क्षेत्र में, बिहार के पश्चिमी इलाके में बारिश के कारण दीघा घाट और गांधी घाट पर नदियों का जलस्तर बढ़ा है। वहीं अगर हम बात कर ले गांधी घाट की तो वहाँ 4 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। वहीं अगर बात कर ले दीघा की तो 15 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। अब ऐसे में हालांकि खतरे के निशान से बाहर है, लेकिन बिहार की अगर अलग अलग जिलों की बात कर ले तो वहाँ स्थिति काफ़ी भयानक है। बिहार की कई नदियाँ जो हैं खतरे के निशान को पार कर चुकी है और लोग दहशत में हैं, क्योंकि इसके कारण कटाव भी हो रहा है। आप देख रहे हैं बिहार रिसॉर्ट्स, हमारे साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।